दोस्तों गुड मॉर्निंग, इट्स अरुण हियर वंस अगेन एंड विशिंग ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020 बेस्ट विशेस। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी एंड योर ब्यूटिफुल मैसेजेस एंड फीडबैक्स विच हैव बीन कमिंग टू मी over the last many months since we have started this journey of positivity, inspiration, getting solutions to some of the complex questions of life and moving ahead with lots and lots of hope, enthusiasm and energy towards our big, hairy, audacious goals, our big goals. और दोस्तों आज जबकि हम सभी ने नए साल 2020 में कदम रखा है, मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने आप से तीन सवाल करें आज 2020 के पहले तारीख को। और दोस्तों बेहतर होगा अगर आप इन तीनों सवालों का जवाब अपनी डायरी में लिखें या टाइप करें। दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, हमारे आसपास जिस तरह से समय गुजर रहा है और जिस तरह का अनुभव हमें मिल रहे हैं, हम हर पल से हर समय से कुछ ना कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नए एक्शंस लें, इम्प्लीमेंटेशन करें नए आइडियाज़ के, और उसके ज़रिए हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर इंसान बनते जाएं। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से एक सवाल करें, पहला सवाल, और वो ये होगा कि पिछले साल 2019 में ऐसे कौन से 50 ऐसे कौन से 50 ओकेजन्स हैं जिसके लिए मुझे खुश होना चाहिए, जिसके लिए मुझे भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। सो लेट्स राइट 50 स्टेटमेंट्स इफ नॉट मोर। यू कैन राइट इवन 500 स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स, इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स राइट 50 स्टेटमेंट्स फॉर विच वी शैल बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू आर लक। So this first question, while being answered, will make us develop a higher degree of attitude of gratitude, which is very important for all of us to be happy in this life. The second question which all of us must answer is, which are those 10 lessons which we have got from 2019? So this means, which are those 10 moments in life in 2019 which didn't go as per our expectation? And in turn, those moments made us think afresh on some of the different ways which we should build in our life. Friends, if we keep on doing what we have done in the past, we shall keep on getting the same results which we have been getting in the past. If we want to change the world around us, we need to start taking some different steps. So, which are those 10 moments of learning from 2019? Now the third question is very simple। आप सबों को अपने आप से एक सवाल करना है कि पिछले साल 2019 में ऐसे कौन से 5 मौके ओकेजन हैं जब मैंने अपने स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल किया कुछ बड़ा गोल अचीव करने में। सो वी आर सपोज टू राइट 5 मोमेंट्स और 5 मोमेंट्स ऑफ अचीवमेंट इन विच वी यूज आर स्ट्रेंथ्स टू द बेस्ट ऑफ आर अबिलिटीज। सो फ्रेंड्स वंस यू राइट द आंसर टू ईच ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस इज नॉट गोइंग टेक यू मोर देन वॉट 1 आवर मे बी 90 मिनट्स, बट वंस यू राइट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डेवलपिंग द माइंड सेट ऑफ अ लर्नर, द माइंड सेट ऑफ अ पर्सन हु इज ग्रेटफुल एंड पॉजिटिव, अ पर्सन हु हैज गॉट द अबिलिटी टू लुक एट द ग्लास एज द ग्लास बींग कंप्लीटली फुल, half with water and remaining half with air. And last but not the least, the third question will remind us of our strengths and will give us the realization whether we are playing to our strengths or our weak areas. So friends, on this note, let me wish all of you and your family members and all the near and dear ones a very, very happy new year 2020. And friends, do try sparing some time and writing answers to each of these 3 questions. It's going to give you a different set of realization
It's going to make you think differently, and it's certainly going to help you a lot as you step into the beautiful, shining, bright new year 2020. Thank you so much, friends. Stay there and stay blessed. Bye-bye.